दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि जेनरिक ड्रग और ब्रांडेड ड्रग क्या होता है, दोनों में क्या अंतर होता है, क्यों जेनरिक ड्रग जो है वो सस्ती होती है एज़ कम्पेयर टू ब्रांडेड ड्रग, और दोनों ड्रग में सबसे सेफ ड्रग कौन सी होती है। तो सारी जानकारी आपको इस एक वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को अंत तक देखिएगा, बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा ये वीडियो। मान लीजिए एक कंपनी है जो एक बीमारी के विरुद्ध कोई भी अपना सॉल्ट तैयार करती है, सॉल्ट यानी कि फॉर्मूला, उस फॉर्मूले की वो पेटेंट करवाती है, उसकी मार्केटिंग करती है, MR से उसको डॉक्टर को रिकमेंड करने के लिए कहती है, और फिर उसको मार्केट में लाया जाता है और फिर उसे बेचती है। इस पूरे प्रोसेस को हम बोलते हैं ब्रांडेड मेडिसिन। एग्जाम्पल के तौर पर डोलो और पैरासिप एक ब्रांडेड ड्रग है। कोरोना काल में डोलो बहुत ज़्यादा फेमस हुआ था, आपने मीडिया और सोशल मीडिया पर इसका नाम जरूर एक बार सुना होगा। डोलो एक ब्रांडेड कंपनी है जिसको माइक्रोलैब जो है मैन्युफैक्चर करता है। ब्रांडेड ड्रग की पैकेजिंग हमेशा यूनिक रखी जाती है, डिज़ाइन हमेशा इनोवेटिव रखा जाता है, नाम बहुत ही सोच समझ कर रखा जाता है, जिससे अगर कोई भी कस्टमर उस मेडिसिन को लेता है तो उसको ये लगता है कि जैसे उसने पूरा पैसा वसूल कर लिया उस मेडिसिन को लेके। अब आते हैं कि जेनरिक मेडिसिन पे, कि जेनरिक मेडिसिन क्या होती है। जेनरिक मेडिसिन वो मेडिसिन है जो उसे सॉल्ट के नाम से बिकती है, उस पर कोई भी ब्रांड नेम वगैरह नहीं होता। मान लीजिए कंपनी है जो मेडिसिन बनाना चाहती है लेकिन उसके पास फॉर्मूला नहीं है, तो जिस कंपनी ने वो फॉर्मूला बनाया है उसे कुछ रॉयल्टी देके उस फॉर्मूले से वो मेडिसिन बनाना स्टार्ट करती है और मार्केट में इसे सेल करती है। एग्जांपल के तौर पे पैरासिटामोल एक जेनरिक मेडिसिन है। जेनरिक मेडिसिन सिर्फ सॉल्ट के नाम से दवा बेचती है, और जो दवा कंपनी अपने नाम से बेचती है उसे हम बोलते हैं ब्रांडेड ड्रग। तो अंतर अब तक आपको समझ में आ गया होगा। अब जानते हैं कि दोनों में सबसे बेहतर कौन है। तो दोनों मेडिसिन में कोई बेहतर नहीं होता, अंतर होता तो सिर्फ ब्रांड नेम में और पैकेजिंग में और प्राइस में। ब्रांडेड ड्रग हमेशा आपको सही पैकेजिंग में मिलेगी और इनका प्राइस ज़्यादा होता है क्योंकि मार्केटिंग करनी पड़ती है, जिसकी वजह से जो मेडिसिन होता है उसका प्राइस बढ़ जाता है। जेनरिक मेडिसिन थोड़ी सी सस्ती होती है क्योंकि कंपनी इतनी मार्केटिंग करती नहीं है, ना ही उनका कोई रिसर्च और डेवलपमेंट होता है, ना ही कोई पैसा लगाना पड़ता है, इसलिए जेनरिक मेडिसिन हमेशा ब्रांडेड मेडिसिन से सस्ती मिलती है। बात करें अगर सेफ्टी वाइज की कौन सी मेडिसिन ज़्यादा सेफ़ होती है, तो ब्रांड मेडिसिन थोड़ी सी ज़्यादा सेफ़ होती है क्योंकि कंपनी का अपना एक नाम होता है मार्केट में, इसलिए उन्हें श्योर करना होता है कि उनकी जो मेडिसिन है उसमें कोई भी प्रॉब्लम ना हो, क्योंकि अगर कोई भी गड़बड़ी होती है तो कंपनी का नाम ख़राब होगा। इसलिए कंपनी इंश्योर करती है कि मेडिसिन प्रॉपर प्रोटोकॉल जो है उसको फॉलो करे और फिर बाद में उसको मार्केट में रिलीज़ किया जाए। लेकिन ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जेनरिक मेडिसिन जो है वो सेफ़ नहीं होती है, जेनरिक मेडिसिन भी पूरी तरह से सेफ़ है, बस थोड़ा सा जो है प्राइसिंग का अंतर होगा, ब्रांड का अंतर होगा, और थोड़ी सी जो ब्रांडेड मेडिसिन है वो ज़्यादा सेफ़ होगी। तो आई होप गाइज आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको हमारे द्वारा बनाया हुआ कंटेंट अच्छा लगा होगा। तो अगर आपको हमारे द्वारा बनाया गया वीडियो और कंटेंट अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, बेल आइकन का बटन जरूर दबा दें जिससे हमारी सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।